हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है हल्दी की माला का उपयोग, गले में माला पहनना या मंत्र जब जपते हैं उसमें माला का उपयोग करना, दोनों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। धारक के मन, जो मस्तिष्क होता है, हमारी जो स्किन होती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे शरीर में वात पित्त कफ आदि होते हैं, हमारी जो हड्डियाँ अस्थियाँ होती है और हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी में, जो संवेग होते हैं, उन सभी को ये प्रभावित करती है माला। क्यों आप कुछ लोगों को जब मैं बताती हूँ कि आपको ये माला जप करना है तो मुझसे पूछते हैं कि मैम माला ज़रूरी है क्या, उंगली से जप नहीं कर सकते हैं क्या? दोस्तों, जब हम माला को एक पर्टिकुलर फिंगर पे जब घुमाते हैं तो वो घर्षण होता है हमारी स्किन से और फिर जो उसका प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, इसलिए अलग अलग माला का उपयोग बताया जाता है। अलग अलग ग्रह पे अलग अलग स्टोन या अलग अलग प्रकार की चीज़ों से घर्षण, वो हमारे शरीर में हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारे जो वाइब्रेशंस है बॉडी को, उसको कंट्रोल करती है। तो इसके बहुत साइंटिफिक रीज़न भी है दोस्तों, और रुद्राक्ष की माला इस दृष्टि से सर्वगुण संपन्न मानी गई है। लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, दत्त तथा नवग्रह आदि सभी की साधना में रुद्राक्ष की माला का उपयोग मनवांछित फल देता है। माला चाहे जैसी भी आप यूज़ करें, उसके शुद्ध, पूर्ण और वास्तविक होना आवश्यक होता है। जब भी आप नई माला लेके आए तो उसको गंगा जल अथवा कच्चे दूध से स्नान करवाना, बहुत उसके बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। और शुद्धता होना किसी भी माला की सबसे प्रभावकारी पहली शर्त है। इसको फिर आप किसी और यूज में ना करें। टूटी फूटी, आधी अधूरी, अशुद्ध माला प्रभावकारी नहीं होती है। जप के प्रभाव को कम या ज़्यादा करने में एक माला का प्रमुख योगदान होता है। इसलिए कोई भी माला जपने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ की माला कौन से देवता के लिए यूज़ करनी है। हर माला का अपना महत्व होता है। इसमें से ही जैसे स्फटिक की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, और भी कई चीज़ों की माला, कमलकट्टे की माला होती है। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं हल्दी की माला की, क्योंकि बैसाख का महीना है और बैसाख के महीने में हल्दी की माला का विशेष गुण है। और विष्णु भगवान, गणेश जी और लक्ष्मी माता के जप में हल्दी की माला का उपयोग होता है। बृहस्पति वार का जो व्रत करते हैं, बृहस्पति जिनका नीच में है, उनके लिए भी हल्दी की माला बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे हल्दी माला के इसे खास अनुष्ठान या प्रार्थनाओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मेडिटेशन में भी काम आती है दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर पीलिया हो जाए तो उसे हल्दी की माला धारण करनी चाहिए। ये माला पहनने से मनुष्य का माइंड बिल्कुल शांत रहता है, कंट्रोल में रहता है। ये व्यक्ति को चिंता से, डिप्रेशन से, परेशानियों से दूर करता है। इस माला को धारण करने से व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति का भी संचार होता है। और मुख्य रूप से इस माला को जो लोग बगलामुखी साधना करते हैं, तंत्र साधना होती है दोस्तों, बगलामुखी साधना वो करते हैं, वो लोग इस माला का प्रयोग करते हैं। इस माला में हल्दी की गोलियों का प्रयोग किया जाता है, जो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से लाभदायी होता है। और मान्यता ऐसी है कि इस माला को धारण करने से आपका वेट लॉस भी होता है, मोटापा कम होता है। अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान हो तो हल्दी की माला उसके लिए खास गुणकारी होती है। अगर इस माला से मंत्र का आप जप करें तो व्यक्ति को शीघ्र ही बहुत लाभ मिलता है। हल्दी की माला का उपयोग बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और इसके मंत्र में, मंत्र का जप होता है दोस्तों, ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगर हल्दी की माला से बृहस्पति देव के मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति को संघर्ष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हल्दी आपको पता ही होगा एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें देवीय गुण होते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। भोजन में तो स्वाद और संपन्नता लाती है, जीवन में भी संपन्नता लाती है। विष रोधक होती है, इससे टॉक्सिन्स निकलते हैं, निगेटिव एनर्जी नष्ट करती है। इसलिए हल्दी का प्रयोग हम हवन और औषधियों में भी करते हैं।
दोस्तों हमारी तंत्र विद्या में या ज्योतिष में हल्दी के प्रयोग से ग्रहों की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। और हल्दी खास तौर से, जैसे मैंने बताया, बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करती है। हल्दी और भी कई रंगों की होती है, पीले रंग की, नारंगी रंग की, काले रंग की होती है, और रंगों के आधार पर इसका ग्रहों से संबंध होता है। आज हम बात कर रहे हैं पीले हल्दी की माला की, जिसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। नारंगी हल्दी भी होती है, वो मंगल ग्रह से संबंधित होती है, और काली हल्दी शनि ग्रह से संबंध रखती है। दोस्तों ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग अत्यंत ही उत्तम बताया गया है, चाहे उसको माला जप करने के नाम पे हो या आप जब पूजन करें उसके रूप में हो। बृहस्पति से जुड़ी हर समस्याओं के लिए पीली हल्दी की ये माला रामबाण का काम करती है। दोस्तों हल्दी की माला को हरिद्रा के गांठ से बनाते हैं। जिन जातकों का भाग्य साथ नहीं देता उन्हें हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। हल्दी की माला धन और आरोग्य और कामना पूर्ति के लिए श्रेष्ठ है। हल्दी की माला से आपको समृद्धि के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य, आपके यश की भी प्राप्ति होती है, और आपको किसी प्रकार की चिंता, डिप्रेशन आदि से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों मानसिक शांति के लिए कई जगह जब आप जाएंगे, जहाँ पे आपको मेडिटेशन कराते हैं आदि कराते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे आपको हल्दी की माला का प्रयोग बताया जाता है। भगवान श्री गणेश और बृहस्पति देव की आराधना में हल्दी की माला का विशेष प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करके अगर आप उनका मंत्र जप करें तो वे अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जो लोग भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं वो उनकी पूजन में हल्दी की माला का प्रयोग करें। और उनको चाहिए जिनकी कुंडली में गुरु राशि नीच स्थान में बैठा है, उन्हें भी हल्दी माला का प्रयोग से लाभ होता है और गुरु के शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको जब भी विष्णु भगवान का जप करना है या आपको गणेश जी का जप करना है तो आपको हल्दी की माला प्रयोग करना है। बृहस्पति ग्रह के मंत्र का जाप करने से भी दोस्तों बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ले आइए ये माला घर पे, आप इसको कहीं पे भी आपको मिल सकता है, आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, आप इसको घर पे बना सकते हैं। हल्दी की मोतियाँ ला के आप इसको घर में पिरो के रख सकते हैं, या आप किसी भी जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह होता है वहाँ पे आपको आसानी से ये माला मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कई तरह की माला होती है, जैसे चंदन की माला, तुलसी की माला, सोने के मनकों की माला, बैजंती माला, दोस्तों मूंगी की माला होती है, हाथी दांत से बनी हुई मनकों की माला होती है, रुद्राक्ष तो आपको मैंने बताया ही, ये सभी बहुत ही लाभदायक होती है माला। और ऐसा विश्वास है कि अगर हल्दी की माला से आप बृहस्पति मंत्रों का जप करें तो व्यक्ति को सभी संघर्ष से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन सरल हो जाता है। अगर आप चाहें माला ना पहन सकें, आप देखिए दोस्तों 26 दानों की माला सिर पे पहन सकते हैं, या ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। 50 मोतियों की माला, हल्दी की मोतियों की माला आप गले में पहन सकते हैं। 16 मोतियों की माला आप बाहों में पहन सकते हैं, बाजू बंद बनवा के पहन सकते हैं। और 12 मोतियों की माला मणिबंध में पहनने का विधान है। दोस्तों 108 दानों की माला अगर आप पहने तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों कर लीजिए उपाय, और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें, हमें नहीं पता कौन कब किस मुसीबत में और कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। तो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप आदि पे, जहाँ पे भी हो वीडियोस को शेयर करते रहा करें दोस्तों, ताकि ये सभी के काम आ सके। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, हम अपने कम से कम फैमिली वालों से, अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से इनको ज़रूर शेयर करा करें, अपने भाई बहनों से इनको शेयर करना ना भूले दोस्तों, और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें।
एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, 15 जून के पहले मुझे मेल ना करें, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। आप सभी से इस बात की क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, और जय माता दी। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।